हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत आपका एक बार फिर से जी, और स्वागत अभी कर रहे हैं आज रात के 8 बजे, और वो मैं बता दूं किस लिए। आप देख रहे होंगे पीछे, मतलब फीवर चालू हो गया। जिस बात का डर था ना, आखिर वही हो गया। बहुत ही सेफ्टी के साथ काम कर रहे थे घर में भी, और बहुत बचाव कर रहे थे, लेकिन फिर भी फीवर हो गया। तो जी चल ही रहा है आजकल, और हमारे एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं डेंगू के, और प्लेटलेट्स का जो मामला है ना, वो बहुत खतरनाक स्तर पे है। और अभी इसे दोपहर से आज फीवर, एक तो बजे के बाद से 1 बजे के बाद में तो दवाइयाँ ले ली थी जो फर्स्ट एड वाली थी, मतलब फीवर की ही, डॉक्टर के सजेशन से। और अभी तक दोबारा तो हुआ नहीं है, खैर। और उम्मीद आशा करते हैं भगवान से कि दोबारा ना हो। तो अभी ठीक है फिलहाल, तो आज पूरा दिन ऐसे ही रहा है। और मच्छरों का भी हमने इतना जुगाड़ कर रखा है, मतलब कि 3-4 रूम्स में तो जिसमें बच्चे रहते हैं और हम रहते हैं, सोते हैं उसमें ना, 2400 घंटे तो जो है ना मच्छरों का प्रोटेक्शन जला के रखते हैं, पूरा दिन पूरी रात 2400 घंटे। और उसके बाद ना परसों ही एक छिड़काव और करवाया है, मच्छरों की दवा है तो स्प्रे होता है उसका दीवारों पे और कोनों में घर के, तो वो भी करवा लिया था। और उसके बाद भी देखो, मतलब खतरा तो बना ही रहता है। वैसे सिम्टम्स तो कल से ही है, मेरे सिर में दर्द है और मैंने दवाई ले भी ली थी। रात भर मुझे मतलब नींद नहीं आई। मैंने आपको बताया था ना, मैं अच्छे से, मुझे आज नींद नहीं आई, मेरे सर में दर्द है। तो इन्होंने मुझे सुबह सर के दर्द की भी दवाई ला दी थी, वो मैंने ले ली थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा चलती फिरती रही, ठंड सी लगती रही मुझे, फिर सोचा लेट जाऊँ, लेट के फिर खड़ी होगी, लेटे सा क्या होगा। आज तो व्लॉग भी नहीं बन पाया, पूरा दिन हो गया। और मुझे ज़्यादातर बाहर का काम रहता है, एक तो ये फर्नीचर का काम करवा रहे हैं, जो इसकी ज़रूरत का सामान भी कुछ ना कुछ लाना पड़ता ही रहता है, और दूसरा जो घर के सामान हैं उनके लिए भी जाना पड़ता रहता है पास के कस्बे में। तो मैं गया था बाहर जिस टाइम से बुखार हुआ, और मुझे लगभग था 2-3 घंटे का काम, तो शाम में मैं आया। और सोच तो आज ही रहा था कि इस हॉस्पिटल लेके चलूँ, और अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी तो एडमिट करेंगे। ये कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल में चल, इन्होंने फोन कर दिया जब पता चला ना कि फीवर हो रहा। मुझे ये दिन में पूछ रहे थे ना कि और कुछ दिक्कत तो नहीं है, मगर और कुछ दिक्कत तो है नहीं, लेकिन बॉडी में पेन सा हो रहा था। मैंने सोचा वैसे ही हो रहा होगा भाई, सिर में दर्द है या फिर रेस्ट नहीं कर पाई अच्छे से रात के टाइम में, ऐसा भी हो जाना कभी आज। पर ये नहीं पता था कि इतना तेज बुखार चढ़ेगा और वो भी सर्दी से। इसने ही मना कर दिया कि अब तो बुखार है नहीं, और एक डोज ली है, बाकी अगर बाद में होता है बुखार तो तब देखेंगे। नहीं तो मेरा तो आज ही प्लानिंग बन गई थी कि मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल लेके जरूर चलूंगा, और चेकअप वगैरह जो भी है वो करवाते हैं अगर ठीक रात ठाक। में कोई दिक्कत होगी तो बता दूंगी, रात में चले जाएंगे क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है, और हाँ हॉस्पिटल में भी बात करके रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो फिलहाल। तो आज यही बताने वाले थे कि भाई पूरा दिन मैं भी बिजी रहा और मैं बाहर रहा, और यहाँ इसे फीवर हो गया, तो ऐसे में जो है थोड़ा सा अपडेट आपको देने के लिए अभी बैठे हैं हम रात के 8 बजे, तो आपको बता दें कि भाई क्या हाल चाल है। कई तो सारे व्यूवर्स जो पर्सनली बात करते हैं ना, फिर उनके फ़ोन आने लगते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे आने लगते हैं कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, आज ब्लॉग क्यों नहीं आया। 8:30 बजे का टाइम होता है मेरे ब्लॉग का, शाम के टाइम का। तो उसमें फिर क्या होता है कि थोड़ा लेट होते ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा अभी मेरी तबीयत मुझे सही लग रही, और थोड़ा सा बैठ के बता देते हैं कि तबीयत ख़राब है। तो कुल मिला के ये हुआ है जी, बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हुए भी, हाँ सेफ्टी बरतते हुए भी, फिर भी जो है एंटर कर ही गया बुखार। तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि ये मतलब यहीं रुक जाए जहाँ तक भी है, और आगे ना बढ़े, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं हाँ आजकल। अगर दूसरी बार बुखार आएगा तो मैं हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बिना दूसरी दवाई। बार नहीं, सुबह आए या ना आए चलना हाँ है ही, चेकअप वगैरह जरूर करवाना है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते, और ये तो जाना ही जाना होगा। बस उम्मीद ये करते हैं कि रात में फीवर ना हो और रात को ना भागना पड़े, बस यही बताना था आप लोगों को। और इसी के साथ बस इतनी सी ही बातचीत, कल का अपडेट आपको देंगे जैसा भी रहेगा। भगवान से उम्मीद और आशा करते हैं आप सब, हम सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, तो जी मस्त रहे, मस्त रहें। और घबराने सब वाली बात नहीं है, फीवर ही तो है।
ये ज्यादा तो घबरा रहे, ये मेरे पति देव ना ज्यादा घबरा बात रहा। घबराने की नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और बहुत सारे डर लगता है ना आते। देखो दरवाजे में आ गई नंदनी, पापा जी गेट खोलियो, थोड़ा दरवाजा बंद कर रखा ना, बच्चों की आवाज ना आए, सारे बच्चे शाम के टाइम अभी। गेट खोल दो, अच्छा सबको राम राम कर दो। मैं क्यों करूं? तो जी राम राम जी कर दो जल्दी। दीदी तो जी सबको हमारे राम राम।